अल्लाह की राह में जान दो, जान नहीं दे सकते हो, माल दो, माल नहीं दे सकते हो तो वक्त दो, दिन को नहीं दे सकते हो तो रात को तो दो, हर रात नहीं दे सकते हो तो जुमेरात को तो दो। जुमेरात को भी लड़का टाइम नहीं देगा, हम आशिक रसूल हैं, अस्तगफिरुल्लाह, झूठे लोग कलमा पढ़ के झूठे हैं। अल्लाह कलमा पढ़ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल, सच्चा कलमा, इससे ज्यादा सच्चाई हो नहीं सकती। फिर दिल से माना मुनाफिक भी नहीं, दिल से माना है जनाब, बिल्कुल आप सब सच्चा कलमा पढ़ा दिल से माना मुनाफिक नहीं, लेकिन आप में से बहुत से लोग झूठे हैं। कैसे? जब यही कलमा सुनाया गया, तस्मिया बताया गया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो कहां चले गए झूठे लोग? ये अजान सुनाने के लिए होती है या बुलाने के लिए होती है? बुलाने के लिए होती है। तो जो अजान सुन के नहीं जाता है झूठा है वो, मरोगे तो झूठों में जाओगे। हर अजान पे यहां इनाम, मरने के बाद भी इनाम, नहीं तो हर अजान पे सजा, हर नमाज के वक्त कब्र में अजाब, इंतखाब तुम कर लो। और मुस्लिम बोले भाई आप बता दें, भूल जाऊं कि कब्र में भी नहीं जाओगे, सीधे जन्नत में जाओगे। वो अगर मैं जाय रहता है इंसान तो बहुत वजूद है ना, यही तो पता नहीं, इंसान अपने बारे में नहीं मालूम। एक जिस्मानी वजूद है, एक रूहानी वजूद है, एक नूरानी वजूद है, एक महसूस का वजूद है, अल्लाह को अकबर। और ये महसूस का वजूद अजीब है कि मरने के बाद भी साथ साथ मर गया, मैं तो आराम से लेके जा, तकलीफ हो रही है, काहे की तकलीफ हो रही है, रू तो नहीं करेगी, मत रो, मैं तो तकलीफ हो रही है, काहे की तकलीफ हो रही है, अल्लाह को अकबर। एक महसूस का वजूद हमारे साथ है, और वो यहाँ भी आप सब में इतना मुख्तलिफ है, यहाँ तो एक महफिल में आके वो एहसास जिसके एक होते जाएंगे उनका सारा वजूद क्रियाकरण होता चला जाएगा, वरना एक भीड़ में सब रहते हुए आंखें हाथ पांव जिस मौजूद होता है, रूह मौजूद होती है, लेकिन किसी को अच्छा लगता है, किसी बुरा लगता है, किसी को रोशनी अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। इंसान ही होगा, इंसान ही होगा, मौलवी आलिम मुफ्ती होगा, मीडा के चलाकर देखेगा, अच्छा नहीं लगता, क्या चीज का है, जिस जिसम भी है, नजर भी है, मंजर भी है, कोई एक एहसास नहीं है ना, वो क्या एहसास नहीं है, हुजूर से मोहब्बत नहीं है। जिसको हुजूर से मोहब्बत है वो रोशनी देख के दूर से आएगा, लगता है मीडा हो रही है, मैं भूल गया था इश्ताह बड़ा था मैं, अरे चलो मीडा। हम रबीलवल में किसी गली से जाते हैं, किसी एक आदमी का भी घर सजा होता तो देख के खुश हो जाते हैं, कोई गुलाम मुस्कुरा रहता हो, ये एहसास अल्लाह अकबर। लेकिन यही एहसास मिलाद की महफिल में है, नमाज के लिए क्यों नहीं है? अजान के बाद क्यों बेहिस हो जाते हो, मुर्दा हो जाते हो? अल्लाह तुमने नमाज मोहब्बत में, मैं इसकी गाड़ी को दावा नहीं करता भाई, उफो, मैं मुश्किल ये कि मना करो तो भी मुश्किल है, लेकिन हक अदा नहीं हो सकता, इश्क़ रसूल का हक अदा नहीं हो सकता। हम तो उनके दोस्तों, अल्लाह के वजूद में किसी के मुरीद हो जाए, नाम लेवा हो जाए, कोई खादिम हो जाए, बड़ी बात है। तो एक शख्स बेदार अल्लाह का वली जहां पहुंचेगा, वजू देने का पानी देने वाला भी वही पहुंचेगा, मगर कुछ करोगे तो खाली चंदा देने से बंदा नहीं बनता है। कि मिलाजी फिर चंदा दे दिया, इंतजाम में खड़े हो गए, हिफाजत में खड़े हो गए, अरे हमारी हिफाजत ज्यादा, अपनी बंदगी की हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कुरान की हिफाजत करो, कुरान पढ़ो अल्लाह अकबर। और अजान सुनाने के लिए होती है, बुलाने के लिए। अल्लाह के जुम्मेदार समाज फरमा दीजिए कि किसी को नमाज पढ़ने नहीं आती हो तो जल्दी नमाज पढ़ो, जैसे अजान हो जाए
नमाज का वक्त हो जाए यार, मुसलमान अजान का पाबंद नहीं है, अजान मुसलमान की।